हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मैं हूं अमित तलड़ा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड तो मच अवेटेड एफ के भी सजेस्टेड आंसर्स आपके हवाले हैं ठीक है काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा फॉलोअप कर रहे थे बट <coughs> फाइनली बन गए हैं ठीक है आप देख सकते हो डिस्क्लेमर सब दिया हुआ है जिसमें आपको सी का बताया हुआ था ठीक है इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है मैंने वहीं के वहीं आंसर बोल्ड किया हुआ है और वर्किंग उसी के नीचे दी है फॉर्मेटिंग के लिए टाइम नहीं दिया आप लोगों ने स्टाफ निकल गया है घर पे तो कल तक मेरे से भी वेट नहीं हो रहा है तो मैंने रिलीज कर दी है बाद में मैं फॉर्मेटिंग चेंज करके फाइल अपडेट कर दूंगा ठीक है तो अभी जिन जिन को आंसर्स टैली करके अपना स्कोरिंग चेक करना है उनके लिए ये फाइल रेडी है आप यूज कर सकते हो ठीक है अब कुछ कुछ जो जून ट्वेंटी के बच्चे हैं उनके लिए कुछ मैं टिप्स और कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं ये पूरा पेपर मैं पढ़ाने वाला हूं मार्च एंड में पढ़ाने वाला हूं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सीएमए एफ एम एम दोनों पेपर मैं मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं पढ़ा दूंगा ठीक है आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लो और उसके पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा उसी वक्त मेरा हमेशा हर अटैम्प में वो फिक्स रहता है ठीक है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा इसका मैं थोड़ा एनालिसिस आपको बता देता हूं ठीक है सबसे नीचे आपका चैप्टर वाइज वेटेज है टाइम इसीलिए लगता है बनाने में काफी बच्चों को लगता है टाइम क्यों लग रहा है सर को अरे भाई आंसर्स बनाओ वर्किंग नोट्स बनाओ फिर ये चैप्टर वाइज वेटेज दे दो कुछ फाइल काम भी तो आए ना मैं अब क्या बोलू छोड़ो ठीक है तो डिसंबर ट्वेंटी थ्री का पूरा इसमें मैंने चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस भी आपको दे दिया है थेरी प्रैक्टिकल का वेटेज भी दे दिया है तो प्रैक्टिकल ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन आए थे ठीक है तो ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन पिछली बार कब आए थे पिछली बार देखो डिसंबर ट्वेंटी टू में ही आ गए थे ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं डिसम्बर ट्वेंटी वन में ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन आ चुके हैं डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में थर्टी फोर क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल आ चुके हैं मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा आ गए ठीक है एवरेज ही आया है ठीक है थेरी वेटेज प्रैक्टिकल वेटेज एवरेज ही है चैप्टर लेवल पे देखें तो दो तीन सरप्राइजेस हैं चैप्टर लेवल पे देखेंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर का वेटेज बहुत ज्यादा है पर ये पहली बार नहीं है थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि पहले भी इतना पूछा जा चुका है ठीक है फोर्टीन मार्क्स का वेटेज इलेवन इलेवन मार्क्स का वेटेज पहले भी इसका आ चुका है क्लियर है फिर आप देखोगे डिविडेंड पॉलिसी सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा वेटेज आ गया है टेन क्वेश्चन आए हैं पास्ट में मैक्सिमम मार्क्स का ही वेटेज आ चुका है क्लियर है क्या फिर वर्किंग कैपिटल देखो एवरेज है सब एवरेज है बाकी सब एवरेज है सिर्फ एक दो चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा पूछ लिया था सेम फॉर एसएम एम थर्टींथ चैप्टर का थर्टीन क्वेश्चन आए हैं बट पास्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं ठीक है एक बार आ चुके हैं तो मोरलेस डिसंबर ट्वेंटी टू का वेटेज दिख रहा है ठीक है क्लियर है क्या अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में वीडियो में बताने वाला हूं कि कुछ ऑफ बीट प्रैक्टिकल्स आए हैं जो पहले आई थिंक पास्ट में कभी भी नहीं आए थोड़े से अलग थोड़े से ट्रिकी थोड़े से कंसेप्ट को खुरेदने वाले क्वेश्चन आए थे मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ तो नया मतलब इस पेपर में आया है तो वो मैं आपको बता देता हूं ठीक है जैसे क्वेश्चन नंबर वन अलग है पर बहुत ही बेसिक है बहुत ही बेसिक है ठीक है बट अलग है ऐसा पहले नहीं आया इतना इजी मतलब पहले नहीं आया ठीक है तो ये एक अलग क्वेश्चन है मैं अलग बता रहा हूं इजी टफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं तो ये अलग था थर्ड क्वेश्चन टिपिकल था आई का जैसा आता है थोड़ा और ये इजी था ठीक है फिर सिक्स क्वेश्चन डिस्काउंटेड पे का था टिपिकल क्वेश्चन है कुछ भी नया नहीं था टिपिकल डिस्काउंटेड पे का जैसा होता है वैसा ही था ट्वेल्थ वाला नया था कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बढ़िया क्वेश्चन था और अलग था ऐसा पास में आई थिंक नहीं आया है। ये भी आई थिंक सेम ही है पर थोड़ा मैं कहूंगा जून वाले इसको देख के जाए अच्छे से ठीक है हल्का सा अलग था फिर ये टिपिकल था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के ऊपर था ये भी टिपिकल क्वेश्चन है सेवनटीन्थ डिबेंचर का भी टिपिकल क्वेश्चन है टिपिकल ये एक आई थिंक अलग है मतलब तो ये भी बहुत इजी था पर ये जो ये वाली स्टेप है ये काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ी होती है काफ़ी बच्चों ने सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल तक ही पढ़ा होता है ऑपरेटिंग साइकिल से वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं ये काफी बच्चों को नहीं आता तो ये इस बार पूछ लिया है तो अच्छे से जून के लिए पढ़ के जाए ठीक है फिर ये भी पहली बार आया है आई थिंक फैक्टरिंग पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई डोंट थिंक एफ एम में आया होगा एस में आई थिंक ओल्ड सिलेबस में आया था या पता नहीं कब आया था फाइनल में भी आता ही है फंडिंग में बट एफ एम में फैक्टरिंग का क्वेश्चन पहली बार आया है तो ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है ठीक है फैक्टरिंग का जैसा होता है तो ये भी मैं पढ़ाऊंगा जब ये पूरा पेपर पढ़ा दूंगा तो आपको फैक्टरिंग का पूरा प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करते हैं क्या है वो भी आपको बता दूंगा अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो ये जो मैंने वर्किंग्स की हैं जो सब है आपको नहीं समझेगा तो यह डाउट सॉल्विंग में अभी नहीं पूछे मार्च एंड तक वेट करें उसमें मैं पूरा अच्छे से आपको इसकी वर्किंग इसके लॉजिक्स इसका बेस का कंसेप्ट पूरा अच्छे से बताऊंगा ठीक है अभी घाई गड़बड़ में कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट है ठीक है तो फैक्टरिंग इस बार अलग आ गया फिर दो तीन बहुत अजीब क्वेश्चन आए थे अजीब कहूंगा मैं उसको और उसमें मैं श्योर भी नहीं हूं हंड्रेड परसेंट कि वो मेरा आंसर सही है तो मैंने तीन या चार चार क्वेश्चन में मैंने नीचे लिखा हुआ है कि कौन से आंसर्स में मैं श्योर नहीं हूं मेरे हिसाब से जो होना चाहिए मैंने बता दिया बट मैं हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं हूं मेरे पास कोई मॉड्यूल का कोई रेफरेंस नहीं है कि ये लाइन है ये देखो मॉड्यूल में देख लो ऐसा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ठीक है तो ये जैसे ये है देखो थर्ड ट्वेंटी क्वेश्चन में श्योर नहीं हूं मैंने लिख दिया है ठीक है टंडन कमेटी का भी बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था उल्टा क्वेश्चन है उल्टा है करंट एसेट पूछा है और एमपीबीएफ दिया हुआ है नॉर्मली एमपीबीएफ पूछा रहता है इसमें एमपीबीएफ दिया हुआ है और आपको करंट एसेट पूछा है हल्का सा एक स्टेप एक्स्ट्रा है बस तो जिनका मैथ्स कमजोर है वो लोग देख के जाए ठीक है फिर इसमें भी मैं थोड़ा सा मुझे लगता है ये क्वेश्चन ठीक से ड्राफ्ट नहीं हुआ आई डोंट नो क्या गड़बड़ है पर कुछ तो मतलब मैं श्योर नहीं हूं ठीक है तो वो भी मैंने लिखा हुआ है ये एक डायग्राम पे क्वेश्चन आ गया है चैप्टर फाइव पे तो डायग्राम्स भी आप कवर करके जाइए क्योंकि डायग्राम एटी नाइनटी परसेंट तो मैंने पढ़ाए हुए हैं मेरे लेक्चर बायस को पर एक आध एक कहीं छूट जाता है तो ये वो क्वेश्चन है एक आध एक कुछ जो मेरे से छूट गया होगा चार्ट उसी पे क्वेश्चन आ चुका है तो ऐसे भी आ रहे हैं तो जिनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जिनको भाई सेवेंटी एटी लेने हैं बहुत ज़्यादा हाई स्कोर का है तो वो लोग भाई पूरा मॉड्यूल से एक एक, एक एक पूरा चार्ट आप कवर करके जाइए इतना फ़र्क नहीं पड़ता जिनको सिक्सटी लेने हैं उनको उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक आध है अगर ऐसे पाँच दस क्वेश्चन होते तो मैं सबको ही कह देता कि यार सब लोग पूरे पूरे डायग्राम देख के जाओ रट के जाओ लेकिन एक आध दो ही है तो ठीक है सिक्सटी वालों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है जो बहुत हाई स्कोर वाले 80, 90 वाले उन्हीं को मैं ये कह रहा हूं ठीक है फिर ये भी एक नया क्वेश्चन था बढ़िया क्वेश्चन था कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ठीक है तो सब टिक करते जाओ ये फाइल तो दी हुई है पर ये अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूं जो सर्कल कर रहा हूं सर्कल करते जाओ ठीक है ये भी बढ़िया क्वेश्चन था कंसेप्ट बेस्ड था अलग था ये टिपिकल था एक पहली बार फिर से असरशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आया एक ही आया ये पहले बहुत आया करते थे फिर बीच में बंद हो गए थे अभी एक ही क्वेश्चन इस टाइप का आया है ठीक है तो इतना बॉर्डर करने की जरूरत नहीं है एक ही आया था और इजी था तो ये भी टिपिकल है टिपिकल है टिपिकल सेम तीन चार तो टिपिकल पिछले अटेम के ही नंबर बदल के सेम ही आ गए हैं ठीक है, है? इसलिए मैं कह रहा हूँ पास पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाओ दो से तीन बार अच्छे से देखो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करके देखो प्रैक्टिस करो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं एक बार बस देख रहे हैं उनको इजी लग रहा है रैंडमली उठा के ट्राई करके देखो ना रैंडमली उठाओ तो अगर आपको जम रहा है तो अच्छी बात है रैंडमली उठा के मुझे लगता है बीच बीच में अगर आप हर हफ्ते रैंडमली पांच पांच क्वेश्चन सॉल्व करो पास पेपर के तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है ठीक है तो प्रैक्टिस करो थोड़ी ये भी एक नया क्वेश्चन था ठीक है चार पांच बढ़िया नए क्वेश्चन आए हैं तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया आप इसको कवर करके जाओ जून के लिए ठीक है ये भी बढ़िया क्वेश्चन था एक क्वेश्चन है बस जो मुझे लग रहा है शायद गलत है एक ही लग रहा है ठीक है फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न टेक्निक आई होप कि मेरे से क्वेश्चन टाइपिंग में गलती नहीं हुई है हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना ठीक है हो सकता है मेरी भी गलती हो ठीक है मैं हमेशा अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं झगड़ता नहीं हूं मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो अगर ऐसा ही है तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न मेथड तो मॉडर्न मेथड में अगर आप देखोगे तो आई आर आर मॉडर्न मेथड है मॉडिफाइड आई आर आर मॉडर्न मेथड है डिस्काउंटेड पे बैक भी मॉडर्न मेथड है सारे मॉडर्न मेथड है क्योंकि इसमें डिस्काउंटिंग यूज होती है ठीक है एक ही है जिसमें डिस्काउंटिंग नहीं यूज होती जो ट्रेडिशनल मेथड है इज इज तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या होना चाहिए ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मॉडर्न टेक्निक तो फिर वो ए आंसर आना चाहिए ये मेरा ओपिनियन है आपका ओपिनियन अलग हो सकता है जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं वी कैन डिस्कस ठीक है फिर ये भी बढ़िया क्वेश्चन था 54 इजी है सब ये इजी है पर अलग है पहली बार घुमा के या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं एक दो स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्व करनी पड़ती है तो मेरे ख्याल से ये अलग है इस पर आपको अलग से थोड़ा टाइम देना चाहिए ये भी इजी है पर ठीक है अलग है ये भी काफी अलग क्वेश्चन पूछ लिया इस बार पहली बार ऐसा चैप्टर टू का क्वेश्चन आया है अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ये भी बहुत बढ़िया अलग क्वेश्चन है ये टिपिकल था ये भी अलग क्वेश्चन आ गया है ठीक है ये भी काफी अलग है ठीक है तो अगर आप देखोगे ना कम से कम दस क्वेश्चन होंगे जो अलग हैं काउंट कर लेते हैं मतलब प्रैक्टिकल्स एक मतलब सब इजी है लेकिन एक या दो ही होंगे जो चलो बहुत ही अलग आ गए जैसे फैक्टरिंग फैक्टरिंग आपने नहीं पढ़ा होगा फैक्टरिंग पढ़ा ही नहीं है तो वो तो मतलब ठीक है वो आउट ऑफ बॉक्स हो गया ऐसे दो तीन ही है जो एकदम आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे बाकी कंसेप्चुअल है कंसेप्ट क्लियर है हल्का सा दो चार मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे आंसर लाने में पर वो सॉल्व हो जाता है ठीक है मैनेजेबल क्वेश्चन है पर अलग है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये तो डायग्राम था मेरा बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ठीक है सत्रह अठारह क्वेश्चन पर इसमें सब मैंने कुछ ज़्यादा ही टिक करके दे दिए हैं जैसे ये पहला वाला ही है इजी एकदम कोई ऐसा ये नहीं है। अठारह में से मुझे लगता है सात आठ क्वेश्चन ही है जो अलग है जिसमें एवरेज बच्चे को परेशानी हुई होगी एवरेज बच्चे को सेल्फ स्टडी वाला बच्चा होगा कोई एवरेज बच्चा है तो उसको परेशानी हुई होगी ठीक है बट काफी सारे मैनेजेबल है लेवरेज के टिपिकल क्वेश्चन हैं सेम ही टाइप के हैं एक जम गया तो आपको दूसरा भी जम ही जाएगा पर अगर आप वो पकड़ ही नहीं पाए अगर आप स्टार्ट कहां से करना है वो पकड़ नहीं पाए तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ठीक है तो ऐसा है तो ये कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन्स थे एस एम ईजी था बट एस एम में भी आई थिंक कुछ कुछ थोड़े से ऑड क्वेश्चन आए थे मैं बता देता हूँ जैसे ये आ गया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने तो ये थोड़ा बच्चों को इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ ठीक है दो तीन एस एम में भी मैं श्योर नहीं हूँ मैंने लिख दिया है तो ये अलग क्वेश्चन थे ये भी अलग था आ, ये वाला भी अलग था ये तो काफी इजी था कैश का वाला ये तो आई थिंक सबको आ जाएगा ये एक अलग क्वेश्चन आ गया था डायग्राम बेस जो मैं कह रहा था अब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जी ई में बहुत सारी चीजें वो आप चार्ट याद नहीं कर सकते हो थोड़ा सा अगर मतलब पढ़ के भी जाओगे उस वक्त समझ में आ जाएगा एग्जाम के प्रेशर में एग्जाम के पहले थोड़ा मुश्किल है ठीक है ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कन्फ्यूजिंग है आपको याद नहीं आ पाएगा तो ये एक टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा अलग है इजी है पर स्टाइल ये थोड़ा कॉमन वाला क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सा कॉमनली नोन बुक के हिसाब से नहीं है ये कॉमनली नोन के हिसाब से पूछा जा रहा है तो कैरिस्मेटिक लीडरशिप भी आपकी किताब में नहीं है लेकिन रियल लाइफ में अगर देखोगे तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप वर्ड काफी यूज होता है बुक्स में नहीं है पर रियल लाइफ में यूज किया जाता है ठीक है पर इंडिपेंडेंट लीडरशिप न बुक में है न कहीं भी आपको पढ़ने में कहीं भी आएगा ऐसा कोई भी टाइप का लीडरशिप है ही नहीं तो बी और डी में काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा मैं समझ सकता हूं ठीक है पर मैं इसको रॉन्गली ड्राफ्ट क्वेश्चन शायद न कहूं क्योंकि कैरिज्मेटिक लीडरशिप काफी रियल लाइफ में यूज होता है न्यूज अगर आप पढ़ते होंगे तो ये होता ही यूज ठीक है उस, बट बी और डी में थोड़ा बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा ठीक है तो ये था पूरा आपका एफ ठीक है अच्छे से देख लो चार पांच क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूं तो उतने क्वेश्चन मेरे गलत हो सकते हैं डिस्क्लेमर में भी मैंने दे दिया है ठीक है हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी मैं कभी भी क्लेम नहीं करता हूं कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे स्टाफ का जो नंबर है सेवन टू फोर नाइन वाला उस पर व्हाट्सएप करके आप कोई भी आंसर कन्फर्म कर सकते हो बस वही आंसर कन्फर्म करना जिसमें मतलब अगर मैंने लिखा है कि आई एम नॉट श्योर तो वो पूछ के कोई फायदा नहीं है ठीक है उसका क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है बाकी सब में मैं कुछ ना कुछ आपको एटलीस्ट एक्सप्लेन कर पाऊंगा ठीक है क्लियर है क्या ठीक है चलिए थैंक यू सो मच डू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल और डू शेयर दिस फाइल विथ ऑल योर फ्रेंड्स जितना आप रिस्पॉन्स देंगे जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही कंटेंट आपको मिल पाएगा काफी बच्चे नाराज रहते हैं कि सर आप कंटेंट नहीं डाल रहे हो बेटा जी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप सपोर्ट करोगे आप लाइक्स ठोकोगे तो ही थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि हमको नॉर्मल शेड्यूल से टाइम निकालना पड़ता है जो कि धीरे 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 मुश्किल होते जा रहा है बिकॉज एक तो हम शादीशुदा हैं बच्चा है ठीक है ये काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं रहता वो इमेजिन ही नहीं कर पाते वहाँ भी टाइम जाता है अभी एज हो गई है हो रही है धीरे धीरे तो हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं पेरेंट्स के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमको लगता है कि आप समझ जाओगे बट काफ़ी बच्चे बिल्कुल भी उनको अंदाजा भी नहीं रहता है उनको लगता है कि हम दिन भर खाली बैठे हमारे पास कोई काम धंधे नहीं है कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हम ऐसे ही वेले बैठे हैं तो ऐसा भी नहीं होता है मतलब जब लोग समझते नहीं है तो थोड़ा बुरा लगता है कि यार आप थोड़ा आपको समझना चाहिए जैसे हम समझते हैं कि आपको काफ़ी प्रेशर्स होते हैं फैमिली इशूज़ होते हैं फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं हम समझते हैं ना हम समझते हैं आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन है तो अगर आप चाहते हो थोड़ा हम टाइम निकालें हम भी मोटिवेटेड फील करें अबाउट द यूट्यूब थिंग तो आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा सपोर्ट दिखाओगे तो जरूरी है मतलब जरूर मैं टाइम निकालने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच आई होप आपको एक अंदाजा मिल जाएगा और जून वालों को मैंने बता दिया आपको क्या क्या चीजें करनी है पूरा ये पेपर मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको अच्छे से पढ़ा के डिटेल में कंसेप्टली मिल जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच